रहे हैं न्यू ईयर पार्टी के लिए, फिलहाल रेडी हो चुके हैं। ये वाला कुछ नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी, रानी दीदी, नमस्ते, हाय पापू, फैमिली गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे इस न्यू व्लॉग में। और ये व्लॉग की स्टार्टिंग हम आपके बालकनी से कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी धूप अभी आई है, अभी 10:30 हो रहे हैं और अभी धूप आई है, नहीं तो थोड़ी देर पहले एकदम ठंडा सा ही था। और धूप ऐसे फेस पे आ रही है ना, तो आईज एकदम लग रहा है कि ताका नहीं जा रहा फ़ोन पे। और मैं जैसे ही बालकनी में आई, ये महाराज भी आ गए। ये वाला गेट खोल दिया है, ये वाला गेट खोल देते हैं तो धूप अगर आती है तो अच्छी खासी धूप रूम में भी आ जाती है। लोग आते हैं फिर ओढ़ते हैं, उसके बाद खुल ही जाता है। और इतने सारे कपड़े रखे हैं धोने के लिए और धूप भी अच्छी खासी उग गई है। वैसे अभी सप्लाई वाला पानी जो होता है ना अभी आता है। अरे अरे कौवा कहाँ आ गया, अरे कौवा कहाँ आ गया हमारे। बाकी शिवांश छोड़ दे मुझे तब तैयारी। और इसमें खिचड़ी जो कि रात को शिवांश के लिए बना था उसने खाया नहीं, थोड़ा सा खाया, उसके बाद ऐसे ही रखा हुआ है। और ये कल की रात वाली सब्जी, कोई खाना खाया ही नहीं क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत खा के आ गए थे मॉल से इस वजह से। और मैंने ये दही जमाई है, मैंने दूध ज़्यादा गर्म नहीं रखा था जिसकी वजह से ये बेचारा 2 दिन से जम ही नहीं रहा है। बर्तन ये सब धुल चुके हैं और क्या है कि सप्लाई वाला पानी अभी आ रहा है तो हम लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं क्योंकि सप्लाई वाला जो पानी होता है ना वो गर्म आता है। और यहाँ पे जड़ी हुई है हमारी सब्जी, तो सब्जी बनेगी, रोटी बनेगा, सभी लोग खाएंगे। वहाँ पे शिव चाचू को तंग कर रहा है, वो कम्बल में आराम से घुसे हुए हैं, उठा उठा के देख रहा है। और यहाँ पे आ चुके हैं पति देव अपने कंबल में। चलिए कपड़ा धोने। गोप्रो क्यों? गोप्रो का पीला कलर का नहीं मिल रहा वो रहा, खोजेंगे तब ना मिलेगा। तो अभी 1:30 बज रहे हैं, कहाँ है ब्रश करने वाले, 1:30 बज रहे हैं और अभी ब्रश किया जा रहा है, क्या बात है। और 1:30 बजे मम्मी अभी खाना खा रही है। मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मम्मी और लेट से खा रही है। जल्दी खा रहे हैं। आधा घंटा पहले मम्मी खा रही है। ना मम्मी ना शिवू, शिवू शिवू ए शिवू। 31 दिसंबर कल है न्यू ईयर, बाकी आज काफी लेट खाना खा रहे हैं हम लोग। और ये पुआ देख सकते हो कल का ही बचा हुआ है, जो पुआ अभी पूजा खा रही है, बस ये लास्ट ही बचा हुआ है, लास्ट ही बचा हुआ है, तो रोटी सब्जी ये सब बन चुका है फिलहाल। अभी मम्मी हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही है और खाना खाते हैं, कल न्यू ईयर है। ठीक है, तो आज है 31 दिसंबर, तो आप सभी को हमारी तरफ से न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। कल है न्यू ईयर और आज कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रोग्राम करें। और खाना पीना खाते हैं, अभी जस्ट गए थे मार्केट सब्जी वगैरह लाना था, सब्जी दूध वगैरह नहीं था, सब्जी आलू दूध ये सब कुछ हम लेके आ चुके हैं। और अभी हम कांटी लेके आए हैं, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने जो स्लैब है उस पर पूजा रूम बनाया है वो गलत है, तो मुझे पता है, बट सॉरी उसके लिए, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, आप मुझे माफ़ कर देना। अभी हम कांटी भी लेके आ चुके हैं, सोच रहे में पूजा जो रूम है ना, पूजा वाला मंदिर को हम एक नए जगह पे शिफ्ट करने वाले हैं। ए फैमिली, तो अभी हम लोग लूडो खेलने जा रहे हैं। लूडो ठंडा की वजह से लूडो हो जाता है, मतलब गोटी चेंज हो जाता है, गोटी का कलर। हम लोग क्या खेलने जा रहे हैं बोलिए, लूडो। हे फैमिली, स्वागत है हमारे इस न्यू व्लॉग में। और अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं और हम सभी लोग, मैं हूँ, शिवांश है, मम्मी है, आगे गोलू जी और ये हैं, तो हम लोग जा रहे हैं न्यू ईयर के पार्टी के लिए। और काफ़ी टाइम से हम लोग दोपहर से ही सोए, तो हमें सचिन भाई के यहाँ से इनविटेशन आया था न्यू ईयर की पार्टी के लिए और उनका नया घर भी बना है तो उसकी भी पार्टी है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं न्यू ईयर पार्टी के लिए, फिलहाल रेडी हो चुके हैं। और हे एवरीवन, तो शाम के बजने वाले 5:25 और आज है 31 दिसंबर, बिको एडवांस में हैप्पी वाला न्यू ईयर। मम्मी सभी लोग बोलिए एक साथ, नंगू भी आ रहा है क्या? चलो एक साथ 1 2 3 बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, बोलो चलो 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर।
तो बाकी अभी शाम के 5:25 हो रहे हैं फिलहाल। ये है कि हम लोग न्यू ईयर पार्टी के लिए जा रहे हैं कहीं पे। बाकी आप गेस कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बाकी कमेंट करना मैं बताने ही जा रहा हूँ, बट बाकी कमेंट कितने लोगों ने सही किया वो मैं चेक करूंगा। फिलहाल सीन ये है, घर भी बनवा रहे हैं और उनका घर भी ढलवाया है, उन्होंने 2 फ्लोर ढल चुका है एंड उसकी भी पार्टी है और न्यू ईयर की पार्टी वो साथ में कर रहे हैं। तो कब से वो उन्होंने कई बार इससे पहले हमें इन्वाइट भी किया था अपनी एनिवर्सरी में, बर्थडे में, मतलब जो भी इवेंट था लगभग इवेंट में उन्होंने हमें इनवाइट किया था, बट किसी कारण से हम यहाँ नहीं थे तो हम नहीं आ पा रहे थे। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बीच में शायद हम लोग ऐसा भी हुआ वैसा मतलब ट्रिप पे कि हम लोगों में कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से काफी दिनों तक हम लोगों के बीच बात नहीं हो पाई थी। फिलहाल पहली बार कुछ पार्टी वगैरह में उन्होंने इन्वाइट किया तो हम ना नहीं बोल पा रहे हैं और न्यू ईयर पे तो ऐसे सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं। तो फिलहाल हमने सोचा चलो इस बार ही सचिन भाई के घर पे ही हम लोग न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और इसके बाद कुछ प्रोग्राम बनाएंगे कहीं जाने का। फिलहाल चलते हैं अभी सचिन भाई के घर। तो अभी हमें जाना है लगभग 79 किलोमीटर और ड्राइविंग पे भाई बैठा हुआ है और आराम से जाना है। अभी ये रोड जो है 28 किलोमीटर जाना है। इससे दूर आपको लाइट दिख रहा होगा, वो भी दिवाली की लाइट या न्यू ईयर की लाइट नहीं है। अभी हम अंबाला जा रहे थे, उस रास्ते NH 52 है या 205 है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, बट हमेशा अक्सर हम उसी रूट से जाते हैं। बट अभी उस रूट में इतना जाम था ना कि अभी गांव वाले रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं, बट इसमें भी जाम है, मतलब इसमें भी काफी गाड़ी चल रही है। कैसे तो देख सकते हैं हम लोग न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, कैसे कैसे रास्तों में हम लोग अभी घूम रहे हैं, टूटा हुआ रास्ता, ऐसी चढ़ाई, मतलब आज का जो न्यू ईयर है ना इस बार का एकदम औसम सा होने वाला है। क्या हुआ? ये फैमिली तो मैं आके और ये रहे मेरे पति देव पीछे, पापू को पीछे भेज दियो, पापू को पीछे डांस कर रहा है डांस। और हम लोग अभी जाम में फंसे हुए हैं, पता नहीं लगता है कि एक साल बाद ही हम जाम से निकलेंगे ना ना मम्मी। एक साल बाद निकलेंगे जाम से। ड्रोन तो उड़ा के देखते ना किधर किधर। ड्रोन सही में तो अब सब लोग आ चुके हैं। रुद्र भाई का फोन हम ले लिए, लाइट देख लेना ना बैग हुआ भी छोड़ दो सामान सामान ना गाइस। तो न्यू ईयर पार्टी के लिए हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सचिन भाई के घर। पहुंचते यहाँ देख सकते हैं छोटा सा टेंट लगा हुआ है, सारे लोग जो भी मोहल्ले सोसाइटी के हैं वो सभी खा चुके थे। मुझे आने में काफ़ी लेट हो गया, लगभग 9 बजे हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे। बाहर आग का व्यवस्था किया गया था, ठंड काफ़ी ज़्यादा है हमारे मोहाले से, यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा है। चलो फिलहाल अभी चलते हैं सिवास को खाना खिलाना है, सबसे पहले चलते हैं। हाँ तो नीचे से एयर है ना, इसको अगर थोड़ा उठाएंगे तो कम होगा। तो सब लोग आ गए भाई, घर पूरा एकदम हो गया हमारा। सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि अब आएंगे लोग, अब आएंगे लोग, अब आएंगे लोग। कॉल से कितने ट्रैफिक में फंसे हुए थे हम बोले थे भैया को हमारे कि भैया इस रोड से मत आइएगा, आज 31 की रात है, अंबाला पूरी दुनिया ट्रैफिक के लिए मनाली शिमला ये सब जा रहा है। और अभी तो मनाली पता है कितना 27 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, न्यूज में देखे होंगे। पिकनिक उकनिक स्पॉट बनाएंगे, लंबे लंबे पेड़ पहाड़ के बीच में छोटा सा, आराम से अपना शुरू करेंगे। रास्ते में कोहरा भी मिल गया था, अभी अब यहाँ से मिलेगा बढ़िया से कोहरा। हम पहुंच चुके हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए सचिन भाई के घर पे और बहुत टाइम लगा, अप्रॉक्स 3.5 घंटे लगे, 1.5 घंटे के रास्ते में 3.5 घंटे लगे। वजह ये है कि 31 दिसंबर है तो सभी लोग अपने घर से निकल चुके हैं अपने
न्यू ईयर मनाने के लिए। इस वजह से आज काफी जाम भी मिला और फाइनली हम पहुंच चुके हैं। मम्मी का सर दर्द कर रहा था, तब ठीक। आराम कीजिए, यहाँ पर आपको जितना महीना रुकना है जितना महीना साल कोई दिक्कत नहीं है। एक साल रुके रुके 50 महीना 100 महीना अगले साल आराम से, अपना घर है। दादी क्या नाम है इसका? माना। माना ये 1 साल 3 महीने चलिए गाइस, तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए, यहाँ पहुँच चुके हैं। चलो खाना खाने जा रहे हैं, इस ब्लॉग से जा लेते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, तो लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।